हेलो एवरीबॉडी, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए उनकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से पोएट्री ऑन किलिंग अ ट्री। इस खूबसूरत पोएम को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली प्राप्त हो सके। जी पटेल की कंपोज की हुई खूबसूरत पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। The poem on killing a tree implies that a tree which is product of nature is not easy to overcome and kill. A lot of effort and cruelty is involved in the process of killing a tree finally. Thus, by comparing a tree to a man, the poet is supporting its protection. Yes, ek ped ko kaatna aasan nahi hota, उसको काटने के लिए बहुत प्रयास लगता है, बहुत प्रहार लगते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जी पटेल ने यहाँ हमें पेड़ों को बचाने के लिए मैसेज दिया है। वो यहाँ पेड़ की तुलना मनुष्य से कर रहे हैं। जिस प्रकार मनुष्य की हत्या आसानी से नहीं होती, बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत गहरा प्रहार करना पड़ता है, इसी प्रकार पेड़ जब अपनी जड़ें मजबूती से जमीन में फैला लेता है और एक फुल ग्रोन अप बन जाता है, तब उसे गिराना काटना आसान नहीं होता। ऐसे भरे पूरे पेड़ को काटना किसी दुखद स्थिति की ओर ही इशारा करता है। ये दुखांत है, सैड एंडिंग है किसी पेड़ की। बहुत ही क्रिएटिव तरीके से पोएट ने हमें यहाँ पेड़ों को बचाने के लिए मैसेज दिया है। इन हिज फर्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, इट हैज ग्रोन अप स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, Absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. कवि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस स्टेंजा में हमें कह रहे हैं, किसी वृक्ष को मारने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। इसे कुल्हाड़ी से मारी गई बेतरतीब चोट से नहीं मारा जा सकता, अर्थात कुल्हाड़ी के क्रूअल प्रहार के साथ आसानी से इसे नहीं काटा जा सकता, नहीं गिराया जा सकता। एक वृक्ष जमीन से पोषक भोजन का उपभोग करता है, फिर वह पृथ्वी से बाहर आता है, सूर्य की रोशनी, हवा तथा पानी को वर्षों तक सोखता है और शक्तिशाली बनता है। इसकी खुरदरी भद्दी दिखाई देने वाली छाल बाक से पत्तियां फूटकर बाहर निकलती है। इतना समय जब ये एक ग्रोन अप होने में लगा देता है तो आसानी से ये नहीं काट कर गिराया जा सकता। In his second stanza, the poet says, So heck and job, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal. And from close to the ground will rise curled green twigs. Miniature boughs, which is unchecked, will expand again to former size. अपने second stanza में कवि कहते हैं, किसी चाकू अथवा कुल्हाड़ी से मारी गई चोट से अथवा किसी डाली को काट दिए जाने से किसी वृक्ष को नहीं गिराया जा सकता। ये चोटें किसी वृक्ष को दर्द दे सकती है, किंतु उसे मारने के लिए यह दर्द काफी नहीं होता। इसकी खून से सनी छाल बार्क वृक्ष का वह हिस्सा जहां इसे चोट पहुंचाई गई है अथवा जहां से किसी ब्रांच को काट दिया गया है, उसकी टहनी को, शाखा को काट दिया गया है, समय गुजरने के साथ वापस ठीक हो जाएगा, ये फिर से रिकवर कर लेगा। अब हरी भरी
टहनियाँ फिर से निकल जाएगी और पूरे आकार की शाखाओं में विकसित हो जाएगी, या यूं कहें कि ये फिर से एक वेल ग्रोन ट्री बन जाएगा अगर इसे जड़ से नहीं काटा गया। आप आसानी से इसे प्रहारों से क्षति नहीं पहुंचा सकते। In his third stanza, the poet says, "No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be robbed, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed the source, white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth." अपने थर्ड स्टेंजा में कवि कहते हैं, वृक्ष को यहाँ वहाँ से काट देना पर्याप्त नहीं होगा, वृक्ष की जड़ को जमीन से खींच कर निकालना होगा। उस जड़ को जो वृक्ष को दृढ़ता पूर्वक पूरी ताकत से उसके स्थान पर पकड़े रहती है, वृक्ष की जड़ की रस्सी से बांधना होता है तथा झटके से बाहर खींचना होता है। जड़ को उस बिंदु से बाहर खींचना होता है जहां वह पृथ्वी से जुड़ी होती है। वृक्ष की जड़ जो उसकी शक्ति का स्रोत होती है को जमीन से बाहर निकाल कर खुले में छोड़ा जाता है ताकि उसे नष्ट किया जा सके। सफेद रंग की तथा गीली जड़ वृक्ष का सर्वाधिक संवेदनशील सेंसिटिव पार्ट होती है क्योंकि यह वर्षों तक जमीन के भीतर छिप कर रहती है। सो इन दिस मैनर वी कैन अंडरस्टैंड टू किल अ ट्री अ लॉट ऑफ एफर्ट्स आर नीडेड। In his next stanza, the poet says, "Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, writhing, and then it is done." अपने last stanza में कवि कहते हैं, अब वह जब वो जमीन से खींचकर जड़ों के साथ निकाल दिया गया है और उसे खुले में छोड़ दिया गया है तो शेष बचता है वृक्ष को धूप में, जो भी शेष बचेगा सूखा, अब सूखने लगेगा धीरे धीरे, उसे धूप में डालकर सुखाना, हवा में उसका दम घोट देना अभी बाकी रह गया होता है। कटे हुए वृक्ष को जला देने वाले धूप में छोड़ दिया जाता है तथा हवाओं को इस पर से बहने दिया जाता है। Hardens, twists and withers away. पूरा सुखा दिया जाता है उसे, खत्म कर दिया जाता है उसे। धीरे धीरे यह हरे से भूरे रंग का हो जाता है, कठोर हो जाता है, बल खा जाता है और सूख जाता है वह पेड़। फिर इसे मारने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। कितने संघर्ष के बाद एक ग्रॉन ट्री अंत में खत्म हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड वेल दैट इट इज सो हार्ड टू किल अ ट्री। पेड़ को मारना कह लीजिए, पेड़ को काटना कह लीजिए, बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वह वर्षों से अपने आप को पाल रहा होता है, एक मनुष्य की तरह जो आसानी से किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता, वृक्ष भी आसानी से नहीं काटा जा सकता। जब ये सारी संवेदनशीलताएं मनुष्य के भांति वृक्ष में होती है तो उसके दर्द का एहसास एक मनुष्य को होना चाहिए। उसे काटने से पहले, उस पर प्रहार करने से पहले कई बार सोचा जाना चाहिए और जब ऐसा विचार आएगा
उसके काटने वाले के मस्तिष्क में तो उस वृक्ष को काटने का विचार अवश्य ही त्याग देगा। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड वेल। नाउ सेव ट्रीज, सेव अर्थ, सेव लाइफ। थैंक यू।